लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं और जिनसे यह बड़ी खबर सामने आ रही है, सुरजेवाला की जनसभा में युवक का जमकर हंगामा देखने को मिला। हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम यह था जिसमें जमकर हंगामा हुआ है। सुरजेवाला के हाथ से माइक छीनने की कोशिश युवक ने की है। हंगामा करने वाले युवक की जमकर पिटाई भी की है। आरोपी युवक ने खुद को पार्टी का कार्यकर्ता बताया है। जिस युवक ने माइक छीना था उसको जमकर पीटा गया है इसकी हरकत के बाद से। और हालांकि आरोपी का भी स्टेटमेंट सामने आया, उसने कहा कि वो पार्टी का कार्यकर्ता है। देखिए कांग्रेस की यह जनसभा थी और आज जिस तरह की तस्वीरें ये सामने आई हैं उसके बाद से एक बार फिर से सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस ने अभी भी अंदर खाने जो स्थितियां हैं वो अब तक सामान्य नहीं हो पाई हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, दरअसल आज जो कार्यक्रम था कांग्रेस का उसमें बकायदा एक पोस्टर लगाया गया था और पोस्टर में यह दर्शाने की कोशिश की जा रही थी कि कांग्रेस में अब सब कुछ सामान्य है, सब कुछ नॉर्मल है, सब मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए इसी सभा में एक शख्स माइक छीनने की कोशिश करता है, रणदीप सुरजेवाला के हाथ से माइक छीनने की कोशिश करता है, लेकिन तभी जो तमाम कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे वो उसको पकड़ लेते हैं, उसके बाद जमकर उसको पीटना शुरू कर देते हैं और ये सब कुछ हंगामा वहां पर होता रहा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम, लेकिन तस्वीरें इसके बिल्कुल उलट। ये तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों को देखकर ये कतई नहीं कहा जा सकता कि इस कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस एकजुटता का संदेश दे रही हो या फिर मिशन 2024 को लेकर अपनी तैयारियों में जुटी हो। यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि अपने ही कार्यकर्ताओं को मैनेज करने की कोशिश ये की जा रही है। और जिस शख्स को पीटा गया उसने कहा कि वो तो पार्टी का ही कार्यकर्ता है। ये आप तस्वीरें आप देख सकते हैं, बहुत ही शर्मनाक ये तस्वीरें हैं कि एक कार्यक्रम जिसका मकसद होता है ये संदेश देना कि सभी को साथ मिलकर चलना है, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, सब मिलकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आगे बढ़ना है मिशन 2024 के लिए, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल उलट आती है, जमकर हंगामा हो जाता है। ये किस तरीके का संदेश बाहर जा रहा है? और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता परमजीत पवार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। परमजीत, तस्वीरें हम देख रहे हैं, कार्यक्रम था हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम कांग्रेस का, लेकिन तस्वीरें बिल्कुल उलट हैं। यहां पर तो यह संदेश जा रहा है कि कांग्रेस में अभी भी ऑल इज नॉट वेल की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल सचिन, देखिए मैं आपको बताऊं, आज दिन में कांग्रेस कार्यक्रम था हाथ से हाथ जोड़ो जिसमें जो है मुख्य अतिथि तौर पर जो रणदीप सिंह सुरजेवाला है जो कांग्रेस पार्टी के महासचिव है उन्होंने शिरकत की और वहीं जो है जोरदार हंगामा देखने को मिला। जब रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बोलना शुरू किया तो तभी वहां से जो है एक युवक आया और उसके बाद उसने जो है सुरजेवाला ने जब बातें शुरू किया तो तभी उसका जो है वहां से माइक छीन लिया और वहां पे जो मीडिया कर्मी कवरेज कर रहे थे वो भी गिर गए। और देखिए उन्होंने कहा कि जो कांग्रेस पार्टी दो गुटों में जो है बटी है इसका कारण कहीं ना कहीं जो है खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला है, तो ऐसा आरोप जो है उनकी तरफ से लगाया गया और उन्होंने कहा वो खुद भी जो है पार्टी के कार्यकर्ता जो है और वो गांव जो है इगरा से के रहने वाले हैं और वही जो है उसके बाद जब उन्होंने कहा कि आपने कांग्रेस पार्टी का नाश कर दिया तो तभी उन्होंने जो है दो कांग्रेस पार्टी को दो दलों में बांट दिया तो तब उन्होंने जो है वही जो जब भीड़ थी तो भीड़ ने जो है उसकी जमकर पिटाई की और उसके बाद जो है उसको पुलिस के हवाले कर दिया। आखिरकार जब उन्होंने वहाँ पे जो और कार्यकर्ता पहुंचे थे तो उन्होंने जमकर धुलाई की। देखिए सुबह इनका ये कार्यक्रम रखा गया था, श्याम गार्डन में ये कार्यक्रम था और उसके बाद जो है वहाँ से रणदीप सिंह सुरजेवाला कहने लगे कि रहने दो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे लोग आते रहते हैं तो वही तभी जो है जो कार्यकर्ता थे उन्होंने उसकी जमकर धुलाई की, किसी ने थप्पड़ गड़े, किसी ने लात घूसे, इस तरीके से जो है उसको जमकर पिटाई की गई है। और युवक ने फिर जो है जो वहाँ पे पीसीआर आई हुई थी टी शर्ट उसको वहाँ पे से ले गई और जो कार्यक्रम था वो सुचारू रूप से चलता ही रहा और हाथ से हाथ जोड़ो जो है ये कार्यक्रम रखा गया था और देखिए पोस्टर भी लगाए गए थे जिस प्रकार से कांग्रेस में जो है गुटबाजी नजर आ रही है तो जीत की धरती से ये गुटबाजी खत्म होने की आकार पर थी, यानी कि शुरुआत हुई थी क्योंकि तब भी जो है या उड़ा के कार्यक्रम होते हैं, कुमारी सेल के कार्यक्रम होते हैं तो रणदीप सिंह सुरजेवाला के जो फोटो है वो कहीं ना कहीं गायब हो जाते हैं। तो आज एक ही मंच पर जो है सभी कांग्रेस पार्टी के जो
वरिष्ठ नेता है हरियाणा के पूर्व जो है मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष उदयवान की बात करें, तो जाहिर सी बात है सभी जो पार्टी के ठीक है। परम जीत आप बने रहिए हमारे साथ, हम दर्शकों को जरा तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए ये तस्वीरें आप देखिए, आज ये कार्यक्रम था, बकायदा इस कार्यक्रम के लिए एक पोस्टर बनाया गया था, लेकिन आप तस्वीरें देखिए, ये बीच जनसभा में ये सब कुछ होता है, वहां पर हाथापाई लात घुसे, जिसका जो बस चला उसने एक दूसरे पर बरसाने शुरू कर दिए। दरअसल बताया जा रहा है कि जिस शख्स को पीटा जा रहा है उसने ये कहा कि वो पार्टी का कार्यकर्ता है, वो यहां पर पहुंचा था, माइक छीनने की कोशिश करी तो उसको तुरंत पकड़ लिया गया, उसके बाद उसको जमकर पीटा। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, ये जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, बहुत शर्मसार कर देने वाली ये तस्वीरें हैं कि एक एक जनसभा में, और वो जनसभा जिसको ये टाइटल दिया जाता है कि हाथ से हाथ जोड़ो, लेकिन हाथ से हाथ जोड़ो तो बहुत दूर की बात है, यहां पर तो हाथ लात बरसाए जा रहे हैं। कई सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है कांग्रेस में। हालांकि बार बार जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती है, मनमुटाव का सवाल जब भी किसी भी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन से पूछा जाता है या किसी लीडर से पूछा जाता है तो कहा जाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ भ्रांतियां फैलाने की कोशिश है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, परमजीत पवार हमारे साथ बने हुए हैं। परमजीत, तस्वीरें बहुत शर्मनाक ये तस्वीरें हैं, बकायदा एक पोस्टर आप तैयार कर देते हैं, पोस्टर्स में पिक्चर्स आप मेंशन उसमें कर देते हैं कि देखिए हम सब लोग एक साथ हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी ऑल टुगेदर, लेकिन तस्वीरें अलग हैं, पोस्टर अलग हैं, ये चल क्या रहा है कांग्रेस में? बिल्कुल, देखिए जब रणदीप सिंह सुरजेवाला से पूछा जाता है कि कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी है तो वो कहते हैं कि नहीं, सब कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो एक है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से यही सवाल करते हैं पत्रकार तो वो भी यही कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, अपने अपने स्तर पर सभी कार्यकर्ता जो पार्टी के नेता है वो काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं गुटबाजी जरूर है। बात करें अगर देखिए तब भी हुड्डा का कोई कार्यक्रम होता है तो जो रणदीप सिंह सुरजेवाला की तस्वीर गायब हो जाती है, अगर रणदीप सिंह सुरजेवाला का जो है कार्यक्रम होता है तो हुड्डा की तस्वीर गायब हो जाती है, कुमारी सैलजा के अगर कार्यक्रम होता है तो तमाम जो ऐसे नेता है जिनके पोस्टर जो है वो नहीं छपवाते, अपने अपने कोई हुड्डा ग्रुप से जुड़ा हुआ है, कोई ग्रुप से जुड़ा हुआ है, रणदीप ग्रुप से जुड़ा हुआ है, कोई सैलजा से, कोई किरण चौधरी से, तो कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं कई गुटों में बच चुकी है। और वही भाजपा का भी साफ तौर पर यह कहना है कि जो कांग्रेस की लगातार गुटबाजी नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी में, तो सरकार तो बहुत दूर की बात है, पहले वो अपना जो घर क्लेश है वो सुलझा ले और तब आगे बात करें मैदान में, सरकार जिसकी बनती है। लेकिन देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें जनता टीवी पर हम दिखा रहे हैं, ये जो कार्यक्रम था हाथ से हाथ जोड़ो, वो एक किस प्रकार से हाथ जोड़ा जा रहा है या फिर हाथ से हाथ तोड़ा जा रहा है, देखिए लगातार जितने भी जो है मौका मिला उस युवक की जमकर पिटाई की, लात घुसे जमकर उनको जो है कचीटा गया, उन पर चलाए गए, और बात करें तो लगातार जो है रणदीप सिंह सुरजेवाला बार बार यही अपील कर रहे थे कि आप इसको रहने दीजिए, मत मारिए, कोई बात नहीं है, लेकिन वो युवक एकदम से आया और जब रणदीप सिंह सुरजेवाले का भाषण शुरू हुआ तभी उसने माइक छीना, माइक छीने की कोशिश की, तभी कहने लगा कि आपने कांग्रेस पार्टी का नाश कर दिया है, और सारे माइक जो है उसने एकदम छीन लिए, उसके बाद जितने पत्रकार साथी थे जो वहां पे कवरेज कर रहे थे वो भी गिर पड़े, और वही जब कांग्रेस पार्टी के जो नेता जो कार्यकर्ता वहां बैठे थे तभी उन्होंने उसके साथ हाथापाई पीटना शुरू कर दिया, और वहां जो तकरीबन 20 मीटर तक वहां गेट है तो गेट तक घसीटते पीटते उसको लेके गए, उसके जो है कानों में से भी लोग निकल रहा था, खून निकल रहा था, तो लगातार तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं जनता टीवी पर कि किस प्रकार हाथ से हाथ जोड़ा जा रहा है कांग्रेस पार्टी का ये तस्वीर। बिल्कुल परमजीत, लेकिन इससे पहले तस्वीरें हमने देखी, हालांकि ये पहली बार नहीं है, पहले भी ऐसा होता था कि कार्यक्रम कोई और करता था तो तमाम जो और गुट के लोग हैं वो नहीं पहुंचते थे, कुछ ना कुछ बहाना बना दिया जाता था, पोस्टर भी ऐसा होता था कि जिसमें कुछ की तस्वीरें हैं कुछ की तस्वीरें गायब होती थी, लेकिन आज जो तस्वीर जो पोस्टर लगाया गया था उसमें सभी की तस्वीरें थी और एक मैसेज देने की कोशिश थी कि देखिए अब हम सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मिशन 2024 बेहद नजदीक है। ऐसे में ये शख्स जो माइक छीनकर ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी का नाश कर दिया और उसके बाद जमकर उसी की पिटाई कर दी जाती है, ये तो एक गलत मैसेज जा रहा है और ये दर्शाता है कि देखिए भले ही 2024 बेहद नजदीक हो लेकिन कांग्रेस अभी तक स्ट्रांग नहीं हो पाई है। बिल्कुल सचिन, देखिए तस्वीरें बिल्कुल जनता टीवी पर हम एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, लेकिन ये ऐसा होना नहीं चाहिए था,
अगर बाई दबे उसने जो है विरोध करना था या फिर कुछ अलग तरीके से विरोध करना था, तो हर किसी को विरोध करने का अधिकार हिंदुस्तान के अंदर है। वो विरोध कर सकता है, काले झंडे दिखा सकता है, जो है मुर्दाबाद के नारे लगा सकता है, लेकिन किसी को इस तरह से मारना भी गलत है। पुलिस को हवाले किया, पुलिस के हवाले किया जा सकता था, लेकिन वो युवक खुद को कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बता रहा है कि मैं खुद कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, कि आपने जो है बिल्कुल परमजीत उसने कहा है कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, उसके बाद जमकर उसको पीटा गया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे।